पर्वतीय शिल्पकार कल्याण सभा द्वारा बैकलॉग के पदों को भरने, पदोन्नत में आरक्षण बहाल करने, देवस्थानम बोर्ड में आरक्षित वर्ग के लोगों को शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लोगों ने गाजे बाजों के साथ विधानसभा कूच किया। पुलिस द्वारा जंगल चट्टी बैरियर पर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया, जहां से एक शिष्टमंडल ज्ञापन के लिए भैराड़ी सैड भेजा गया। आज हम जो है पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोग जो है उनकी जो जो संवैधानिक मांगे हैं उन मांगों पर जो है अमल न होने के उनके प्रति उदासीनता का और भेदभाव का जो है इस प्रकार से रवैया अपनाने के कारण जो है आज जो है सारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमारा एक बहुत बड़ी रैली के रूप में जो है हम लोग यहाँ भराड़ी सेन में आए हुए हैं और हमें जो है यहाँ पर मेल जंगल चट्टी के पास में रोक दिया गया है। अब इसके बाद हम कुछ लोग जो है ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और हमारी मांगे हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण वर्ष से ही इस राज्य में जो है विभिन्न विभागों सरकारी विभागों में जो है बैकलॉग के पद जो है हजारों की संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार उस पर जो है कोई अमल नहीं कर रही है। हमारा सरकार से मांग है कि अविलंब इन पर जो है विज्ञप्ति जारी की जाए और नियुक्तियाँ की जाए। दूसरे में हमारे जो ये उपनल संविदा और मानदेय के पद हैं इन पदों में भी आरक्षण का नियम लागू होना चाहिए और मानदेय में जो ठेकेदारी प्रथा है इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तीसरे में जिन लोगों को जमीन दी गई है पहले पट्टे पर दी गई थी या जिनको जो है 180 वर्ग गज जमीन मिली है उन्हें भी जो है उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए और जो हमारे छात्रों को जो है कई सालों से जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो उन छात्रों के खातों में अविलंब छात्रवृत्ति जो है डाली जानी चाहिए। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो देवस्थानम बोर्ड के नाम से अब जिसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के एक एक सदस्य को जो है उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए उस बोर्ड में और जो वहां पर बाजे वाले लोग हैं उन्हें भी जो वहां के पंडे हैं पुजारी हैं न्यासी हैं उन्हीं की तरह हकों को मैं उनको भागीदार सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो इरशाद हुसैन और इंदु कुमार की कमेटी है वो की रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।